ये दर्द रोज की तरह। देखो मुनव्वर मियां, मुझे थोड़े से दिन दे दो। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो बहनों का हिस्सा हड़प कर जाते। भाई इसे कहते हैं सच्चा आशिक। माशूक को देख के सच्चे आशिक की भी भूख उड़ जाती है। भाई वाह भाई, चल कैसा इश्क, कौन सा इश्क, मेरी भूख तो टेंशन से उड़ जाती है। मैं भी बड़ी आपा की तरह अपनी जान दे दूँ, जान दे दूंगा मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस मोमी आंटी से कभी शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ओहो, बड़ा झुमका, सतलड़ा, चूड़ी शुड़ी, गजरा, वाह। पर तुम कहीं को तो भी रस्ते में आ गए, ये सब जेवर वेवर मैं वहाँ के लिए पहनी हूँ, तुम नजर नहीं लगाओ मेरे को ज्यादा। क्या बात है, क्या ये अपनी बहू के लिए संभाल के रखा है सब? हाँ रखी, तुम्हारे को क्या, तुम्हारे लिए नहीं है ये, मेरे बहू के वास्ते है। ये दर्द रोज की तरह। चाय पी लो। मैं नहीं मंगी चाय। हाँ तो मैं लेकर आई ना, अब तुम हमारे घर पे मेहमान आई हो, चाय तो पीनी पड़ेगी। चलो पी लो। बब्बन खाला को समझाओ, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। दोबारा लगा लेना जी। हाँ, पी लो ना, पी लो। शादी में जा रही हूँ ना, फ्रेश हो जाओगी। भाई देर हो रही है मेरे को, तुम खाला को पिला दो ना जी। माफ तो मैं बना के लाई हूँ ना, चलो पी। अरे मेरे को नहीं पीना, पीनी पड़ेगी। तुम्हारे को खुदा जानू की आपने जलाना। दो मेरी चप्पल। कोई बुड्ढा भी नहीं मिलने का। खाला में बशारा खालू को बताऊंगी, मेरे को छोड़ना को बेचारा, मेरे को बचा रहे क्यों आपको? अब ये तुम्हारा मुन्ना आके साफ करेगा, सारा घर खराब कर दिया हमारा। आई बड़ी अमेरिका वाले की शादी में जाएगी। देखती हूँ मैं भी कैसे जाती है शादी में तू। मम्मी तेरा मुर्दा चाहे, सारे मेरे बालान होती, क्या कर दी मेरा हाथ, कैसी मैं परी बन के गई थी, मेरे को चुड़ैल बनाते हो तुम। खयूं तुम करे हैं ये कुछ, तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं नासिर से मिलने को जा रही हूँ? बताती हूँ तुम्हारी मम्मी मैं तुम्हारा, तुम मेरा हाथ लगो एक दफा, देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हारे जो बड़े बड़े आंखें हैं ना, मैं इसे नोच के निकाल लूंगी। मम्मी, ओ मम्मी, मुझे शर्म नहीं आती, क्या हाल किया तूने नजमा आंटी का? आए मैंने क्या किया है, मुझसे तो सिर्फ चाय गिरी थी, उस औरत ने तो मेरे बाल सारे नोच दिए। तो शुक्र है मैं हकीम साहब का तेल सर में लगाती हूँ, वरना जितनी दफा उसने मेरे बाल नोचे ना, अब तक तो मैं गंजी हो चुकी होती। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, बकवास कर रही है। अरे क्या बात है तेरी मम्मी, क्या हशर किया है तूने उसे, है ना ये? अब जाकर दिखाया वो अपने अमेरिका के कजिन की बेटी की शादी। चढ़ाया ना कर उसको दस ज्यादा, तेरी वजह से वो ये करती है। इसको चढ़ाने की जरूरत है, हिसाब की टीचर है, अपना हिसाब मुंह बराबर करना जानती है ना, है ना? अल्लाह पूछे तुम दोनों को, हटो हट जा। इसको क्या हो गया, ये ऐसी तो नहीं थी, हमारा तो साथ देती थी पहले। अरे है तो वो अभी भी हमारी जैसी, मगर पता है अभी इसका किसी तरह फड्डा नहीं हुआ।
बड़ा हो गया ना, फिर देखना दे मां साढ़े चार बिल्लो ना बड़ी चीज है। अच्छा आना बैठ, इधर के बाल सारे इधर आए और मुझे इतने दिन से सुकून मिला है, मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, जन्नत मिल गई जन्नत। सही बात है, जन्नत ठंड मिल गई। तुमने कभी किसी को कूटा है? हां ना यार, राम खोर कहीं की वो ऐसी जलन है मेरे से, जामे तैयार भी ये मेरा हाल कर दी। अयो साथ लड़ा भी तोड़ दी मेरे जैस का है जिए। अल्लाह मेरे साथ लड़ा भी, हाय अल्लाह चुड़ैल दिख रही हूँ जी मैं, तोबा तोबा तोबा, हाय ना सिर देखेंगे तो मेरे को डर के भागेंगे जी, क्या करूँ मैं, तोबा तोबा तो ना, ये मेरे को जाने का भी है, देर भी हो रही है, दूसरी साड़ी। अच्छा सुनो, नचमान की तो घर पर नहीं है, तुम खाना यहीं खाओ। नहीं, अभी कह रही थी कि शादी का खाना वापस से लेकर आएंगे, तो जब लाएंगे मैं खा लूंगा, डोंट वरी। लेकिन पता नहीं वो कब तक आएंगी, तब तक भूखे रहोगे, मैं गरम गरम रोटी डाल देती हूँ। ख्याल है तुम्हें मेरा, तो मम्मी के पास जाकर बैठो, अभी लेकर आते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे रहे, कैसा मेरा बच्चा है? कुछ है ए, वहाँ कहाँ बैठा बेटा, इधर आकर बैठ मेरे पास। अच्छा जी, पान खाओगे? नहीं खाला, बस सौंफ ले लेता। तो ये बता, माँ के साथ शादी में नहीं गया था? खाला ये अम्मी कोई शौक है रिश्तेदारों के यहाँ जाने में, वरना अबू के जाने के बाद तो किसी ने पलट कर हमें पूछा तक नहीं, फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेहिस रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने का? नहीं बेटा देखो, खुशी और गमी दोनों में शरीक होना चाहिए। अब देखो अगर आज तुम्हारी अम्मा माँ नहीं जाएंगी शादी में, तो कल को वो तुम्हारी शादी में वो लोग नहीं आएंगे, और फिर ससुराल वालों को कहने का मौका मिल जाएगा कि इनके घर से तो चार मेहमान ही नहीं है, ताने देंगे। खाला आप कितनी दूर से क्या सोचती हैं? अम्मी नचमान टी घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा पप्पू को यही खाना खिला दूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, इसका अपना घर है, है? और सुनो मर्तबान में अचार निकाल लेना, लेकिन उसमें लकड़ी का चम्मच डालना, ये स्टील वाला नहीं डालना, खराब हो जाता है अचार। ठीक है। थैंक यू खाला, बहुत भूख लगी थी। खाला वो जिया, थैंक यू। तुम्हारे खालू को असल में बहुत पसंद है, तुम अक्सर बना लेती हूँ। अरे जाओ उसकी चाय बना के लाओ। हेलो, और देखो अचार जरूर लेकर आना। अम्मी खाना खिला रहे यही बहुत है, अब इतना वीआईपी ट्रीटमेंट भी मत दो। ये लड़की का भी दिमाग खराब है, क्या उठ पटांग बातें करती है। देख फिर से मम्मी की मैसेज, सारा दिन मैं इसके साथ, सारा दिन फिर भी मैसेजेस करती है, जान का अजाब करती है, अजाब करती है। फोन आ रहा है। हेलो मम्मी जी। हेलो, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? आसिम के पास आया हूँ, भाई वापस चले बताया तो था। बस तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी बीसी निकलने दो, फिर तुम्हारी बाइक आ जाएगी।
कब मिल रही है आपकी बीसी? अरे भाई वो तो पिछले महीने मिलनी थी, मगर वो मिस फरजाना है ना, उनके भतीजे की शादी थी तो उनको मिल गई, मगर इस बार मेरी बारी है। बस तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा थैंक यू मुसरत जी। अच्छा अब जल्दी से घर आ जाओ ना, थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। जी वैसे आज बहुत मजा आया ना। जी बहुत। अरे तुमने क्या जीजी की रट लगा रखी है, ठीक से बात ही नहीं करते हो। जैसे पहले मेरी इतनी सारी तारीफें करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं देख रही हूँ, वैसे ये जब से शादी के दिन करीब आ गए ना, तुम थोड़े हावड़े से रहते हो, बौखलाए बौखलाए घूमते रहते हो। अच्छा ये जो इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे नसीब में आने वाली है, इस वजह से तो नहीं परेशान हो गए? तो ऐसे ऐसे हालात में ना ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। जी जी कि क्या जी 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 हर बात पे करते रहते हो हैं? जब मैं सामने खड़ी भी होती हूँ तो मुंडी हिलाते रहते हो, और जब मैं फोन पे बात करती हूँ तो जी जी करते हो। नहीं वो हासिब सामने बैठा है, इसके सामने में क्या बात है, क्या मत करो। अरे भाई तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, खामखाई में इतना सारा गुस्सा दिला दिया मुझे। ओए मेरा शर्मीला मुन्ना, ए आवाज ही नहीं निकलती किसी के सामने। चल अच्छा सुन, लेट नाइट फोन कर लूंगी। चलो बाय शाय। हाँ ये बाइक मिले तक बना के रख, मुझ बात कर। वैसे अम्मी आप भी कमाल करती हैं, इतना लो ब्लड प्रेशर, दवा नहीं खाई नहीं आपने? अरे भाई दवा वा छोड़ो, उस रुकैया को बुलाओ, मैं उसका दिमाग सही करती हूँ। क्यों अब क्या किया फूफी जान ने? कहा नहीं, मुतालबा किया है। किस चीज़ का मुतालबा? तुम्हारे अब्बू से कह रही कि इस घर को बेचो और उसको इसका हिस्सा दो। क्या ये घर वाली बात फिर शुरू हो गई? पिछली दफ़ा सारे बड़े बैठे तो थे और सबने गवाही दी थी कि दादा जान कहते थे कि ये घर बशारत का है और रुकैया को हम उसका हिस्सा दे चुके हैं। लेकिन लिखत पढ़त तो नहीं हुई थी ना, और इसी बात का ये फायदा उठा रहा मुनव्वर। मुनव्वर जो कहता है ना वही कहती है रुकैया, वरना वो ऐसी नहीं। रहने दें अम्मी, ये फूफी जान कितनी साइड लिया करें आप, वो बच्ची नहीं है कि फूफा जान की बातों में आ जाए। लिखत पढ़त नहीं हुई तो क्या हुआ? अरे अबू से कहें सारे बड़ों को बुलाएं, बिठाएं सबको और फैसला करें। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अबू ने फैसला कर लिया। अबू ने क्या फैसला कर लिया? यही कि वो इस घर को बेच के उसको उसका हिस्सा दे देंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? ये अपने अब्बू से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? अब्बू से तो मैं बाद में पूछूंगी, ये जरा फूफी से तो मैं दो दो हाथ कर लूँ ना। ए क्या करी, सुन तो तेरे अब्बू नाराज होंगे। हाय फूफी जान कितना मजा आएगा ना, पहाड़ों पे से दुनिया कितनी खूबसूरत लगती होगी ना, घर छोटे छोटे चुने चुने है ना। हाँ अरे मेरी जान तो क्यों फिक्र करती है, अरे कुछ देर सबर कर ले, फिर मैं तुझे अपने साथ पहाड़ों पर लेकर चलूं। हाँ और वहां से धक्का दे दूंगी। वैसे फूफी जान आप चाहती क्या हैं? अरे मैंने क्या चाहना है, रुकैया फूफी तो अपनी भतीजियों को चाहती है, और क्या चाहती है? हाँ इतना चाहती है अपनी भतीजियों को कि उनके सर से छत छीनना चाहती है। मैं आपको बता रही हूँ फूफी, ये घर तो मैं बिकने नहीं दूंगी। और तुम लोग इस घर की छत दोगे, मेरी मम्मी का हिस्सा। अच्छा बैठ जा तू आराम से, बैठ जा, टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझ रही तुझे? मम्मी फिर बदमाशी दिखा रही है ये। बैठ जा तू आराम से, खबरदार जो तू बीच में बोलती है, टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, चुप करके बैठ। अरे बिल्लो, अरे तू मेरे सबर का इम्तिहान मत ले। हाँ तू होती कौन है मेरे सामने इस लहजे में बात करने वाली? मैं कौन होती हूँ, मैं कौन होती हूँ? आप कौन होती है मेरे अब्बू को मजबूर करने वाली कि ये घर बेचे? अरे नहीं बिकेगा ये घर, कभी नहीं बिकेगा। चुप हो जा, आप जाके आराम करें, छोड़े जाए। बस कर दे भाभी जान, बस कर दे, आप ये ड्रामे मेरे साथ ना करें। आप ही ने इसको चाबी भर के मेरे सामने खड़ा किया है कि ये मुझसे इस लहजे में बात करे। अरे लेकिन घर बेच कौन रहा है? तुम तो बेबी हो ना, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुम तो खिदमतें कर रही हो अपनी फूफी जान की। अरे घर बिकवाना चाहती है, कोई जरूरत नहीं इनको पानी भी पूछे की। फूफी जान एक काम करे, आप अपना सामान उठाएं और ये टब्बर जो है ना इसको लेकर निकले यहाँ से बस। भाभी जान मैं कहती हूँ मेरा हाथ ना उठे, इसको अंदर ले जाए इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, ले जाए इसे अंदर। अरे ये मेरे बाप का घर था, बल्कि है, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे यहाँ से नहीं जाती हो। उठाओ अपना सामान, बांधो, निकलो यहाँ से, अंदर जाओ।
अरे मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, खबरदार मेरे बच्चे को कुछ कहा तुमने। हम क्यों निकलेंगे? अरे पुप्पी जान एक बात आप समझ ले, हम बेटियाँ नहीं है, हम बेटे हैं। कसम से बिल्लो बड़ा मजा आया। रुकैया पुप्पी जान अब तक राजा कासिम की कमर ही सहला रही होंगी। मजा तो बहुत आया, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं अब्बू का आएंगे ना तो सही खबर लेंगे, पता चलेगा तुम लोगों को। आने दो अब्बू को, वो बात तो मुझे भी करनी है। बहन की मोहब्बत ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये क्या बात हुई कि अपनी बीवी और बेटियों को भूल गए? अरे ये घर हमारा है, एक टका नहीं मिलेगा पुप्पी को यहाँ से। और नहीं तो क्या, अब तक अब्बू पुप्पी जान के नखरे उठाते रहे, मुनव्वर फूफा को वक्त भी वक्त कर्जा देते रहे, और पता है मुनव्वर फूफा ने 10 लाख उधार लिए थे अब्बू से अपनी बहन की शादी के लिए, जो अब तक नहीं दिए। सुन डॉली, ये किसी जगह ना ये सारा हिसाब किताब तू नोट कर ले, लिख ले। ठीक है, मैं अब्बू से कहती हूँ जरा लड्डन चाचा का बुलाए, हिसाब किताब करते हैं। हाँ हाँ, तो वो समझाएगी और अब्बू यूं करके समझ जाएंगे, है ना? बल्कि मुझे फूफी जान बता रही थी कि अब्बू इस घर को बेचने को मांग गए, राजी हो गए वो। हाँ। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। ये कैसे हो सकता है भला? मुझे क्या पता, अब्बू से पूछना। बड़ी चलाक है वैसे पुप्पी, पूरा प्लान लेकर आई है, स्कीम है उनकी। अरे बस ना, ठीक हो जाएगा, आ लेने दे आज अपने मामू जान को। देख फिर मैं इस बिल्लो की कैसी शिकायत लगाती हूँ। रुकैया बेगम, मेरी बात अब भी मान लो और जीते जी इस जायदाद का कोई फैसला करवा लो, वरना तुम्हारी इन भतीजियों ने तो पता नहीं मुझे और कासिम को तुम्हारे बाद इस घर में कदम भी रखने देना है या नहीं, और खुदा जाने हमारे साथ क्या सलूक करें। तुम्हारी आंखों के सामने कासिम को बिल्लो ने मारा, अब और क्या सोचोगी? तुम्हारे बाद अल्लाह जाने हमारे साथ क्या हो। अरे बस कर दो, तुम तो चुप कर जाओ, क्या मेरे सर पे बैठ के तुमने टटर टटर लगाई हुई है? मैं कह रहा मेरा भाई के हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, फिर भी आपको चैन नहीं आ रहा? सुन रहा है तू कासिम? सुन रहा है अपनी मम्मी की बातें? इसे गुस्सा निकालने को और कोई नहीं मिलता तो ये तुम्हारा डैडी ही नजर आता है इसे। डैडी, मम्मी सही तो कह रही है। सही कह रही है? क्या बकवास कर रहे हो? चुप करके बैठ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अभी तेरी कमर में दर्द था, अभी तेरे सर में दर्द है, क्या चीज है तू? आपके बोलने की वजह से मेरे सर में दर्द। अरे बेटा तू चुप कर जा, तू ना खामखा में मुंह लगे जा, वो तो बोले जाएगा। हद हो गई। डॉली चाय पिएगा? डॉली जी पुप्पी जान। बात सुनो, जब तक बशारत भाई आ नहीं जाते और इस झगड़े का फैसला नहीं करते और बिल्लो मेरे बेटे कासिम से माफी नहीं मांगती, हम पर इस घर का खाना पीना रहना चाय पानी सब हराम। जी पुप्पू जान। बेटा जा दो कप चाय बना के ला, एक कासिम के लिए एक मेरे लिए। जी अच्छा। डॉली पुत्र, 3 कप लेकर आना, मैं भी हूँ। जी अच्छा। सुन लो अपनी डैडी जी की बात, अभी इस घर का खाना पीना सब अपने ऊपर हराम कर रहे थे, फिर चाय का कह दिया। देख ले और डॉली के झाड़ू लेके तो नहीं आई थी? अरे नहीं बेटा, चल ठीक हो जाएगा कल तक। अब्बू आपको पता नहीं है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इनकी सुने जा रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि आपका बेटा नहीं है ना, सिर्फ बेटियां हैं, तो इसलिए आपको दबा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं हूँ आपका बेटा, ये घर नहीं बेचेगा। अरे फुफो जान, आप अपना हिस्सा ले चुकी हैं। ये दर्द रोज की तरह।
बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, किसी के मामू के घर में मेरे बच्चों को झाड़ूओं से पीटा जाएगा। पुप्पी जान बस कर दें, हल्की सी झाड़ू थी, कोई गोली तो नहीं मार दी। तेरे बस में होता ना तो तू हम तीनों को गोलियों से उड़ा देती। ओए कासम उठ उठ, जरा एक कमीज उठा और दिखा अपने मामू जान को अपनी पीठ, दिखा। बस रहने दे, मत करे ऐसे आप, मेरे दिल दहला जा रहा है उसकी कमर देख के। रुकैया बस कर दो, खत्म कर दो, बच्चों बच्चों की बातें क्यों परेशान हो रही हो, बस करो। बस कर दे भाभी जान, आप तो चुप ही रहे। भाभी जान ये सब कुछ किया तेरा भाभी जान के, भाभी ने बिल्लो को चाबी दी थी और कहा था कि हमें घर से धक्के दे के बाहर निकाले, हमारा सामान उठवा के फिकवाए। बिल्लो चल माफी मांग। मामू जान इसको बोलो पहले मुझसे माफी मांगे। तेरी माफी मांगती मेरी जूती तुझसे, कभी नहीं माफी मांगूंगी मैं। बिल्लो अब्बू आपको पता नहीं है असल बात क्या है, फुफो तो जो इनका दिल चाह रहा है कहे जा रही है, असल बात कुछ और है। बोल इसकी भी सुन ले भाईजान, चल बोल जो जो कुछ तूने मुझे बाहर खड़ी होके बोला ना वो सब भाईजान को बोल के दिखा। सच बोलूंगी फूफी जान, झूठ क्यों बोलूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं ये घर बेचने नहीं दूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। अबू ये घर बिकने नहीं दूंगी मैं, और क्यों बिके, फूफी जान अपना हिस्सा ले चुकी हुई है। फूफी जान आप एक काम करें, फूफा जान बहुत जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, ये टब्बर उठाएं और जाएं यहाँ से वापस पिंडी जाएं। आप लोग जब भी यहाँ आते हैं ना हमारे घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बस बहुत हो गया, तंग आ गए हम। देख ले भाई जान आपको दबा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं हूँ आपका बेटा, ये घर नहीं बिकेगा। अरे फुफो जान आप अपना हिस्सा ले चुकी हैं, अजरा मुर्दार जर्रा नहीं बदली गुड्डू। मैं एंड तक बैठे रही, कोई आके मेरे को नहीं बोला ये नजमा तुम्हारे दो बेटे शादी में नहीं आए, उनका खाना लेके जाते क्या? क्या मोबाइल में लगा हुआ है, सुन मेरी। सुन रहे अम्मी। हमारे घर के सब शादियों में ना गुड्डू ये बहना अपने नदीद बाबा के वास्ते ना ऐसा खाना भर भर के लेके जाते थे, और आज देखो कोई मेरे को झूठे मुंह नहीं पूछा। अम्मी ये खानदान के लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम जाती क्यों इनकी तकरीब में? मैं कहाँ जाती, वो तो नासिर की बेटी को देखने के वास्ते गई थी, वही अच्छी प्यारी है, थोड़ी भेंगी दिखी मेरे को, नहीं भेंगी नहीं है उन्हें, मेरी आँख में कुछ गिरा होगा। अब बुड्ढे देख मेरी आँख में कुछ गिरा क्या, मेरे को ऐसा लगा, सोचती गई मैं अपने मुन्ने से शादी हो जाएंगी ना तो उन्हें अमेरिका में सेट हो जाएंगे और हम लोग सब वहां जाके सेट हो जाएंगे। अम्मी मुन्ने भैया से काय को करेंगे शादी, जो हर साल यूनिवर्सिटी में फेल होता। अरे काय को नहीं करेंगे उससे शादी, नासिर मेरे को कितना पसंद करते तुम्हारे को क्या मालूम, कि तुम्हारे नाना मेरी शादी में जल्दी नहीं करते ना गुड्डू तो आज हम सब अमेरिकन चेरी होते। अब तो देखते जा कैसा तेरी माँ तुम तीनों का मुस्तकबिल संवारती, हम सब अमेरिका में होंगे। अरे अम्मी तुम्हारी भेंगी के चक्कर में मेरा गेम खराब हो गया। लगे रहो इसमें ही लगे रहो तुम लोग, इसमें ही फौत हो जाओ, हटाओ ये कपड़े हटाओ, सोने का है, इतनी रात हो गई, हटाओ बोल रही हूँ मैं गुड्डू।
बंद करो लाइटा वेटा सब। औलाद के वास्ते जो भी करो तुम लोगों को कमी है। कितना लड़ी आज, कैसा दिन मेरा निकला मालूम है तुम्हारे को? कुछ चादर लाओ। खाना, मैं नासिर इधर उधर घूम रहे थे, मैं खाना सही से खाई भी नहीं। भूख लग रही मेरे को, खाना देते तो निकाल के खाती ना। सिर्फ मनहूस लोग हैं। ये ने दोबारा खाना गरम करके लाई हूँ, खा लीजिए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे भूख नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार खाना गरम करके लाती हो? अच्छा गुस्सा ना, आप एक काम करें, जल्दी से कपड़े तब्दील करें और आराम करें। बिल्लो ने खाना खाया? नहीं, बस बैठे हुए रोज चली जा रही है। लेकिन आप उसके लिए परेशान ना हो, आपको तो पता है ना आपकी बेटी बहुत जज्बाती है। दो चार दिन गुजरेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक हो गया, जब तक मैं पागल हो जाऊं बेटो बस कर जा। अब्बू ने सिर्फ मारा ही है ना, कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ी? अब्बू ने बचपन से आज तक ना मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया। सब रुकैया पप्पी की वजह से हुआ है, उन्होंने जहर खोल दिया हमारी जिंदगियों में। मुझे नहीं अफसोस, क्या अब ने मुझ पर हाथ उठाया है, 100 बार उठाए, मैं उम्र तक नहीं करूंगी। लेकिन उन लोगों के सामने, अच्छा पानी पी ले, नहीं चाहिए मुझे। उन लोगों के सामने और वो राजा कासिम देखा था कैसे हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। अच्छा बस कर दो ना मिल्लो, अब ये सोचो कि अगर ये घर हमारे हाथ से चला गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसीलिए तो लड़ रही थी मैं। पुप्पी अपना हिस्सा ले चुकी है, अब हमारे पीछे पड़ गई है। और अब्बू के सामने तो मैं ही गलत हूँ। मैं भी कसम खाती हूँ, मैं अब्बू से कभी सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मिल्लो अगर तेरी बड़ी हवा होती तो मैं उसे भेजता अपनी जगह तुझसे माफी मांगता। यार मैं क्या करूं, वो भी अपने बाप से रूठ के चली गई। चला दे इन हाथों, चले चला दे, माफ कर दे मुझे तू, माफ कर दे मुझे। बब्बन, बब्बन खाला, बब्बन खाला, अरे मैं क्या देख रही हूँ, मेरी दोस्त आई हुई है। अरे कब आई बिल्लू? अरे तीजे के अगले रोज ही पहुंची हूँ। अच्छा, अरे सच्ची मैंने तुझे इशरत के जनाजे पे बहुत मिस किया। कसम से तेरे मतलब की बिरयानी थी, तेज मसाले वाली। हाँ गोश्त थोड़ा कम हो गया था और सर्दे में चमचम नहीं थी। सुना है खाना बब्बन खाला के भाई ने दिया था। अरे तुझे तो पता ही है कि भाभी के मेके वाले कितने कंजूस मारे हैं। अरे जहेज में भी सिर्फ एक मुसहरी दी थी। चलो छोड़। अच्छा ये बताओ इशरत के जनाजे में आई क्यों नहीं थी? है? वैसे तो बड़ा बेटी बेटी कहती थी। इशरत का जिक्र करती है ना तो मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। अरे बचपन से गोद में खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया सारे काम मैं उसके करती थी। इधर इशरत के मरने की खबर पहुंची, उधर मुझे दिल का दौरा पड़ गया। अरे क्या कह रही हो तुम, यहाँ तो किसी ने नहीं बताया, सब ने ये कहा तुम्हें फ्लाइट नहीं मिली। कासिम के डैडी ने मना किया था कि किसी को मत बताना। अब देखो ना भाई जान को एक तो बेटी का गम, ऊपर से बहन के दिल के दौरे का पता चल जाए तो मेरे भाई पे क्या गुजरेगी, इसलिए कासिम के डैडी ने मना कर दिया था। ये तो बहुत अच्छा किया मुनव्वर भाई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाय
अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक हूँ, पर देखो मैं तो जन्नत को हाथ लगा कर आई हूँ। अरे वहाँ जन्नती भी कहने लगे, अरे रुकैया तेरी अभी यहाँ जरूरत नहीं है, तेरी भाई के पास जरूरत है, तू वहाँ जा। बस अस्पताल से सीधी ट्रेन में आई और यहाँ पहुँच गई मैं। अच्छा बात सुन, अरे मैंने तुझे इशरत के रिश्ते के लिए कहा था। हाय मेरी बच्ची बिना सुहाग देखे मर गई। अरे सुहाग तो उसने तकरीबन देख ही लिया था। हाय ये क्या कह रही है तू? जी हाँ, मगर ऐन मौके पे उन्होंने कहा कि हमें इशरत नहीं बिल्लो चाहिए, बिल्लो डॉक्टर नहीं जो बन गई है, और कमाने वाली लड़कियों की आजकल बड़ी डिमांड है भाई, बस यही गम इशरत की जान ले गया। हाय मेरी इशरत, जब से वो मरी है ना कसम से मैंने तो आईना ही नहीं देखा, डिट्टो मेरे कॉपी थी इशरत। शुक्र है उसने ये बात अपनी जिंदगी में नहीं सुनी, वरना अब मरी है ना जब ही मर गई होती। क्या कह रही है तू? नहीं कुछ नहीं, इशरत का रंग तो बड़ा साफ था। हाय मैं भी अपनी जवानी में खिला गुलाब थी। अच्छा मेरी बात सुन, देख जरा जल्दी जल्दी इन लड़कियों की शादियों का तो कुछ कर दे, कसम से मेरा भाई जो है ना वो बुखलाया बुखलाया फिरता है घर में। हाँ कोशिश तो कर रही हूँ मैं, मगर अपने भाई को भी समझाओ भाई कि पहले बड़ी फिर छोटी का जिक्र नहीं करें, वरना इस चक्कर में रिश्ते निकलते जाएंगे। यही बात मैं बब्बन खाला को भी समझा रही थी। हाँ कह तो तू ठीक रही है। अब देखो ना तीन बड़ियों की उम्र तो वैसे ही निकल गई है, बस बबली और बेबी रह गई हैं, ऐसा ना इस चक्कर में उनकी उम्र भी निकल जाए। अच्छा रुकैया तुम अपने कासिम के लिए क्यों नहीं रिश्ता डालती हो? ना भैया ना, बड़ी मुंह जो लड़कियां जवान की हैं भाभी जान ने। अरे इतनी गदगद लंबी जबाने हैं इनकी, हर वक्त बनी समरी रहती हैं, मजाल है जो काम की तरफ ध्यान दे। मैं अपने कासिम के गले में क्यों टुनटुना बांधूं? ना भैया ना, ये जबाने हैं इनकी बिल्कुल ननियाल पे गई हैं। बब्बन खाला तो अल्लाह मियां की गाय हैं, तुम्हारी भतीजियां तो तुम पे गई हैं। चल चल भाई बहुत लंबी गुफ्तगु हो गई है, अब चल तू अपना रास्ता ना। अच्छा मैं तो बस शक्लो सूरत में कह रही थी। अच्छा ऐसा तो कहना किसी से कह के अच्छा सा गिलास लाल शरबत का तो पिला दे। डॉली अरे यो डॉली, इशरत के मरने के बाद ना बॉर्ची खाना डॉली ने ही संभाल लिया है। अरे डॉली लाल शरबत तो लेकर आए एक गिलास। मुझे बुंदे दिखाइएगा कोई अच्छे से। ये नहीं कोई और दिखाएं, कोई कलर में हो तो वो दिखाएं। ये देखिए गॉट दिखाओ, ये पसंद है? हाँ पसंद। इनकी प्राइस क्या है? 500। नहीं पप्पू मुझे नहीं चाहिए पूरे 500 के, रख लें। ले लो पैसे हैं मेरे पास, मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार कैसे लचाई हुई नजरों से देख रही थी तुम्हें। आप पैक कर दें प्लीज, चलें आइसक्रीम खाते हैं। तुम हमेशा ऐसे करती हो यार, हम मूवी देखने जाएंगे हमने प्लान किया था। फिर कभी ना बप्पू, आज अगर आज नहीं तो कभी नहीं यार। तुम सारे ट्यूशन के पैसे आज ही खर्च करो। तुम परेशान मत हो, मम्मी के पैसे अलग किए हुए हैं। चल रिश्ता लाई हूँ कि क्या याद करोगी? पहली
खूबी ये लड़का कुंवारा है, दूसरी खूबी ये लड़का अकेला है। अरे उसने मुझे ही खाला बना रखा है। अच्छा वैसे लड़के की उम्र क्या है? अरे बीच में मत बोलो। अरे क्यों ना बोलूं मैं बीच में? क्या लड़के का आगे पीछे कोई नहीं है? ईदी होम से रिश्ता लेकर आ रही है तू? अरे सही तो कह रही है, भी चलो माँ बाप नहीं है लेकिन कोई चाचा ताया मामा कोई तो होगा ना। खाला मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, बहन भाई हैं, ये घर में सबसे बड़ा है, माँ बाप के मरने के बाद इसी ने सबको पाला पोसा है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, कोई पलट के पूछता नहीं है ऐसे। सब चाहते हैं कि कल का मरता आज मर जाए, इसकी जायदाद पे काबिज हो जाए। 400 गज का बंगला है गुलशन में, तुम हाँ करो कल ही ले आऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इशरत का 40वां गुजर जाने दो, उसके बाद लाना। नहीं बब्बन खाला, इस चक्कर में रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें तो पता ही है आजकल अच्छे रिश्ते लोग दांतों से पकड़ के रखते हैं। नहीं रुकैया तुम ही समझाओ अपनी भाभी को, बड़ी के चक्कर में छोटियों से नाइंसाफी ना करें। भाभी जान ठीक ही तो कह रही है, लड़की को देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये हुई ना बात, बस अब अगर तेरी राम कहानी मुकम्मल हो गई हो ना तो तू हमारे सवालों का जवाब दे। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? क्या उम्र है लड़के की? यही कोई 35-36 साल। देख सच सच जवाब देना, अगर तूने गलत बयानी की ना तो तू सोच सकती है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। अरे बहन हमें उम्र से क्या लेना देना, देखने में 35-36 साल का ही लगता है। ये देख अरे वाह लड़का तो बहुत खूबसूरत है भाभी जान, बिल्कुल हीरो लग रहा है, और ये खड़ी तिक्खी नाक है। भाभी जान वैसे आपके नवासे नवासियां जो है ना वो बहुत ही अच्छे नकुश वाले निकलेंगे। अरे बेबी, अरे ओ बेबी जरा मेरा चश्मा तो ला के दे। ए खाला बता तो रही है तुम्हारी नंद कि लड़का अच्छा है, जरूर चश्मा लगा के तुमने भी मायना करना है। अरे भाभी जान ने पहले कभी मेरी बात पे एतबार किया जो अब करेंगी? मुझे दिखाना। ये ले बेबी चश्मा लेकर आ माँ का। ढूंढ रही हूँ। हेलो गुड्डू, हाउ आर यू? मामू जान नजर नहीं आ रहे हैं? आवे अस्सलाम वालेकुम मामू जान। कासिम तू कैसे आया? मामू जान वो पंजाब चोरंगी है ना, यार रहता है अपना, उसी के बाद जा रहा था। मम्मी को बोला पैसे का तो मम्मी ने बोला मामू जान से ले लो स्टोर जाके, 2000 रुपये दे देते हैं। हाँ तो गुड्डू दराज में थे, 2000 रुपये निकाल के दे दे। ये क्यों देगा मुझे पैसे, मेरे मामू जान का स्टोर है, खुद ले लूंगा। मामू जान वो कोने पे स्टेट एजेंट की दुकान है, पता किया आपने बात बात की किसी से? अब बेचोगे घर हैं? ये बातें घर पे कर लेना, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो खालू को? ए, तू कौन है शहजादे? तू कौन है मेरे मामू जान से मुझे बात करने से रोके? चल पुत्र शाबाश, गाकों को देख। तो मामू जान मैं बात करूं किसी से, कसम तो तू अपने दोस्त के पास जा, ये बात घर करेंगे। जैसे आपकी मर्जी मामू जान, सानू की है। हॉस्पिटल लेके चलो। ये दर्द रोज की तरह